अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी जंगली मुर्ग देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने उसको कहाँ पे देखा है। जंगली मुर्ग ये घरेलू मुर्गियों का जंगली रिश्तेदार है। जंगली मुर्ग जनूबी एशिया और जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक बिलखसूस भारत में पाया जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी मौजूदगी के कोई ठोस सवाबित शवाहिद नहीं मिले। अगर आपने इन्हें किसी जंगल में देखा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में चूंकि कलीज मुर्ग को भी जंगली मुर्ग कहते हैं, इसलिए शायद ये मुगालता पैदा हुआ है। इससे मिलते जुलते तीन अनवा और भी हैं, जिनके नाम सुरमई जंगली मुर्ग, श्री लिंकन जंगली मुर्ग और सब जंगली मुर्ग हैं। तमाम जेनोम के सीक्वेंस से ये बात साबित होती है कि 8,000 साल कबल सुर्ख जंगली मुर्ग को पालतू बनाया गया, जिससे हमारी पालतू मुर्गियों की मुख्तलिफ नस्लें वजूद में आईं। जंगली मुर्ग घरेलू मुर्गियों की आम नस्लों से जिसामत में छोटा होता है। इसका रंग सुर्ख गोल्डन घरेलू मुर्गियों से मिलता है। जंगली मुर्ग के जिस्म में सुर्ख, भूरे, काले और सुनहरी रंग के पर पाए जाते हैं। नर की कलगी काफी बड़ी जबकि मादा की छोटी होती है। नर की दुम 28 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और नर अपनी दुम को फैलाकर ऊपर की तरफ रखता है, जबकि मादा की दुम छोटी होती है। जंगली मुर्गा जंगली मुर्गी की निस्बत बड़ा होता है। जंगली मुर्ग का फैलाव भारत और चीन से लेकर जनूब मशरकी एशियाई ममालिक यानी इंडोनेशिया और मलेशिया तक है। पाकिस्तान में इसके पाए जाने के कोई सबूत मौजूद नहीं। जंगली मुर्ग जंगलात के अलावा खेतों और झाड़ियों वाले इलाकों में भी देखे जा सकते हैं। इंसानी आबादी के करीबी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इंसान की मौजूदगी से डरते हैं। जंगली मुर्गों की ज़्यादा आबादी भारत के मुख्तलिफ नेशनल पार्कों जैसा कि कान्हा और काजेंगा वगैरह में पाई जाती है। जंगली मुर्ग घरेलू मुर्गियों की तरह मिट्टी में नहाते हैं ताकि इनके परों से इजाफी तेल खत्म हो सके। रात को जंगली मुर्ग दरख्तों पर आराम करते हैं। अच्छी जगह बैठने के लिए इनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं। नर जंगली मुर्गे एक दूसरे से अपनी जगह और मादाओं की हिफाजत की खातिर भी लड़ते हैं। इनके झुंड में एक मुर्गा सब पर हावी होता है। जंगली मुर्गों को जब कहीं खुराक नजर आती है तो वो मुर्गियों का बुलाने के लिए एक मखसूस अंदाज के साथ आवाज़ निकालते हैं। मुर्गा अपनी चोंच से खुराक पकड़ता और गिराता है जब तक मुर्गियां इसकी तरफ मुतवज्जी ना हो जाएं। जब मुर्गियां आ जाएं तो मुर्गा आवाज़ें निकालना बंद कर देता है। जंगली मुर्ग ज़्यादातर इलाकों जैसा कि भारत, नेपाल, थाईलैंड और लाइवस में सर्दियों और मौसम बहार में ब्रीड करते हैं, लेकिन मलेशिया में इन्हें पूरा साल ब्रीड करते देखा गया है। ब्रीडिंग के मौसम में मादा हर रोज एक अंडा देती है। अंडों से 21 दिनों में चूजे निकल आते हैं। चूजे 4 से 5 हफ्ते माँ के साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं और 5 माह में जवान हो जाते हैं। जंगली मुर्ग की खुराक में मुख्तलिफ पौधे, बीज और फल वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ अकसाम के हशरातुल अर्ज और कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। घरेलू मुर्गियां जो हम आम तौर पर घरों में पालती हैं, सुर्ख जंगली मुर्ग की ही एक नस्ल है। इंसानों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा मुर्गी के गोश्त पर मुनहसिर है। कुछ लोग खुराक के लिए इन जंगली मुर्गियों का शिकार भी करते हैं। इनके मादूम होने का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जंगली मुर्ग की एक खास अलामत और इसकी निशानी ये है, उसकी खासियत भी ये है कि वो अपनी परों को, पिछली दुम को परों की तरह फैला कर रखता है। यूं महसूस हो रहा होता है जैसे कोई मोर अपने फरों के फैलाकर खड़ा है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जंगली मुर्ग से मुतालिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।